और आइए अब सीधे रुक करते हैं यहाँ पे इंडिया गेट का, जहाँ पे अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ पे रक्षा मंत्री के साथ। आपको बता दें, कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि आज 15 साल पूरे होते हैं। आज 15 साल पूरे हुए जब 26 जुलाई 1999 को ही यहाँ पर जंग छिड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ, जब द्रास सेक्टर में यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की, लेकिन यहाँ पर अपनी बहादुरी का जौहर दिखाते हुए भारतीय सैनिकों ने, भारतीय जवानों ने हमारे सुरक्षित कल के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और देश की रक्षा की। और आज उन्हीं शहीदों को याद करते हुए इंडिया गेट के इस अमर जवान ज्योति पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली सेना के तीनों प्रमुखों के साथ। तो करगिल के जस चाबाजों को यहाँ पे सलाम करते रक्षा मंत्री, और हमने कल देखा था किस तरह से करगिल में वॉर मेमोरियल जो बनाया गया, वहाँ पे आर्मी चीफ बिक्रम सिंह ने कल श्रद्धांजलि दी थी। तो आज 26 जुलाई जब 15 साल पूरे हो रहे हैं करगिल विजय को, तो यहाँ पर अमर जवान ज्योति पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली तीनों सेना प्रमुखों के साथ श्रद्धांजलि देते हुए। और विषम परिस्थितियों में दुश्मनों से लोहा लेते हुए देश के जवानों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी हमारे सुरक्षित कल के लिए। और हमने देखा यहाँ पे किस तरह से उनकी शहादत की वजह से आज हम सभी सुरक्षित हैं, और इन बहादुर जवानों की शहादत को सलाम करते हुए रक्षा मंत्री। और करगिल बॉर्डर के साथ चाहे मुश्को हो या ककसर, ऐसे इलाके जहां पर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए शहीदों ने अपनी जान दी, 15 साल पूरे हुए आज करगिल के इस युद्ध। और हमने देखा किस बहादुरी से यहाँ पे सेना के जवानों ने अपनी जान न्यौछावर की थी। हम आपको बता रहे थे कि करगिल की बात करें, चाहे मुश्को की या फिर ककसर की, ये वो इलाका है जहाँ पे युद्ध अपने चरम पर था आज ही के दिन, और यहाँ पर अपनी जाबाजी का अपना हुनर दिखाते हुए शहीदों ने हमारे देश की रक्षा की। ऐसी विषम परिस्थितियाँ, चाहे वो यहाँ पे दुश्मनों से चुनौती की बात हो या फिर मौसम की बात हो, हर एक चुनौती से लड़ते हुए यहाँ पे शहीदों ने इस जंग पर विजय प्राप्त की, और करगिल विजय के 15 साल आज पूरे। और अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि देते हुए आज एक बार फिर
पूरे देश में मांग उठी है एक नेशनल वॉर मेमोरियल की, जहां पर हम अपने देश के शहीद जवानों को याद कर सकें, एक ऐसी जगह जहां पर तख्ती पर उन जवानों को याद किया जा सके जिन्होंने गुमनामी के अंधेरे में अपनी जान दे दी हमारे लिए। और एक बार फिर से इस करगिल विजय दिवस पर मांग उठती है नेशनल वॉर मेमोरियल की, अमर जवान ज्योति पर जब श्रद्धांजलि दे रहे हैं रक्षा मंत्री, उसी के साथ कई सालों से कई शहीद परिवारों की ये मांग भी उठती रही है। फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के इंडिया गेट पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सेना के तीनों प्रमुखों के साथ अमर जवान ज्योति पर करगिल के शहीदों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। और दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं एक तस्वीर जो कि कल की है, जब करगिल में एक द्रास में एक वॉर मेमोरियल बनाया गया, जहां पे कल आर्मी चीफ विक्रम सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन शहीदों के कई परिजन भी यहां पर पहुंचे थे और हमने भी उनका दुख साझा करने की कोशिश की थी। तो वहीं पर आज दिल्ली की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अब से थोड़ी देर पहले की, जहाँ पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ यहाँ पर करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी।